हेलो फ्रेंड्स, आपने भी इस तरह का वीडियो इंस्टा पे देखा होगा, ट्रेंडिंग नंबर वन पे चल रहा है। क्या आपको भी इसी प्रकार से वीडियो एडिट करना है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले VN ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके फोटोज वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको जो भी फोटो वीडियो में ऐड करनी है उस फोटो पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं फोटो हमारी ऐड हो चुकी है। इसके बाद फोटो के एंडिंग में चलना है और VN ऐप का वाटरमार्क पर क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आके उस पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करके वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है और जो भी वीडियो आपने इंस्टा से डाउनलोड किया था या हम आपको ये वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपके लिंक इस वीडियो की डाल देंगे, तो आपको वहाँ से ले लेना है। अपन को वीडियो से अच्छे से देख लेना है। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको वीडियो का जो पार्ट चाहिए उसको रख लेना है और बाकी पार्ट को आपको स्प्लिट पे क्लिक करके उसको यहाँ से 200 में कर लेना है। तो मैंने इसको 200 में कर लेते हैं। 200 में करने के बाद आपको जो वीडियो का वेस्टेज पार्ट है उस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर देना है। तो वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना आ चुका है। उसके बाद आपके पास प्लस का आइकन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। आपको आने के बाद आपको जूमिंग फर्स्ट पे कर लेना है। आप चाहो तो जिस भी ऑप्शन पे कर सकते हो, लेकिन हमें जूमिंग फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है इसके लिए, इस वीडियो के लिए, तो अपन जूमिंग फर्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और आपको नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं उनमें चले जाना है और आपके पास जूमिंग का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं आपके पास जूमिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको उस पर क्लिक कर लेना और जूमिंग आउट वाले पे क्लिक कर लेना और इसे ऐड कर लेना। आप देख सकते हैं फोटो आपकी किस तरीके से जूमिंग आउट हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो वीडियो किस तरह से वीडियो रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, इस पर अपने को सॉन्ग लगाना है। इसके लिए आपको पास म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है और माय म्यूजिक पे चले जाना है और आपको माय फॉर द वीडियो एक्सपोर्ट फॉर वीडियो उस पर क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। तो आपको जो भी वीडियो आपने डाउनलोड किया था उस पर क्लिक कर लेना है और आपका इसको यहाँ से सॉन्ग अपने आप एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इस पर सेव पे क्लिक करेंगे, आपको जिस भी फोल्डर में वो सॉन्ग डालना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करके करेक्ट एल्बम में चले जाना है। तो अपना इस तरीके से एल्बम बन चुका है और न्यू फोल्डर में अपन जाएंगे जहाँ पे अपन ने सॉन्ग को सेव किया था और यूज पे क्लिक करके उस सॉन्ग को अपन क्लिक करके अपन को ऐड कर लेना। आप देख सकते हैं जो सॉन्ग उस वीडियो पे था वो सॉन्ग ऑटोमेटिक इस तरफ आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं वीडियो अच्छे तरीके से हो चुका है। आपको वीडियो को सॉन्ग के हिसाब से सेट कर लेना अच्छे से। तो सेट करने के बाद आपको फ्रेंड्स इस पर जो पहले का म्यूजिक था वीडियो पे उसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और वीडियो को अच्छे से सेट कर लेना है। वीडियो सेट होने के बाद आपके सामने कुछ के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपके पास ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है ना। आपको जिस भी हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो तैयार करना है उस पर क्लिक कर लेना है। अपन 9:16 में अपने को वीडियो ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आपको वीडियो पे जो भी लिखना है तो आपको बता देते हैं किस हिसाब से लिखना है। आपके पास टिक का ऑप्शन आ रहा होगा प्लस आइकन पे, उस पर क्लिक कर लेना और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपको हैंड हैंडलिंग में क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी नाम लिखना है इस पर कुछ भी लिखना है उस हिसाब से लिखना है। हम लिख देते हैं, आपको देख सकते हैं सी पे अपन लिखते हैं। आप इतनी देर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को पॉपुलर से पॉपुलर बनाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। तो अपन ने नाम लिख लिया है कुछ इस तरीके से। तो आपको इसको थोड़ा जूम हटा लेना है इसका। तो अपन इसको थोड़ा आपको दिखा देते हैं अच्छे से, जिस हिसाब से आपको लगाना है उस हिसाब से आपको इसे लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को अपने वीडियो के हिसाब से कर लेना है नाम को। उसके बाद आपको क्लिक कलर वाले पे आइकन पे चले जाना है, आपको उसको ब्लैक कलर में कर लेना है और आपको बैकग्राउंड में जाके आपको बैकग्राउंड जिस भी हिसाब से करना है वाइट में ठीक रहेगा इसमें, तो आपको वाइट पे क्लिक कर लेना है, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको अपने नाम को जिस भी हिसाब से सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है और अपने नेम की साइज को जिस भी हिसाब से वीडियो के हिसाब से रख लेना है। तो आपका वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप वीडियो को सेव करने के लिए आपके पास तीर का आइकन आ रहा होगा राइट साइड में, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और वीडियो को जिस भी क्वालिटी में सेव करना है उस हिसाब से आपको वीडियो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद आपका वीडियो पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके।